हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो मुकाबला है वो है पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और आज के मुकाबले के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली मैं एक्साइटेड हूँ। और उसके पीछे रीजन ये है कि आज का जो मुकाबला होने वाला है वो मुल्लनपुर में होने वाला है। आपको जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे मुझे याद होगा कि आपको भी इस बात को याद होगा कि मुल्लनपुर में जो पिछला मुकाबला हुआ था वो पंजाब का हुआ था और मुंबई इंडियन का हुआ था। और मैंने कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिखाए थे और वो जो रिकॉर्ड्स दिखाए थे उस वाले मैच से पिछले जो तीन मुकाबले हुए थे उन तीन मुकाबले के रिकॉर्ड्स मैंने उठा करके दिखाए थे। और ये वो रिकॉर्ड थे जो मैंने बहुत ही ज्यादा डीप डाइव किया था, बहुत ही अंदर घुस करके बहुत ही बारीकियों भरा रिकॉर्ड मैंने निकाल करके दिया था। लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोच करके देखो कि जो मैंने आपको रिकॉर्ड दिया था क्या वो मैंने आपको अलग से दिया था? वो मैंने आपको अलग से नहीं दिया था, बल्कि आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर घुस करके तीनों मैच के रिकॉर्ड मैंने आपको निकाल करके दिया था कि इस तरह का आंकड़ा और इस तरीके का रिकॉर्ड और इस तरीके का गेम का पैटर्न देखने को मिला है पिछले तीन मैच में। अब गेम की पैटर्न की अगर बात करूं तो मतलब पहले बैटिंग में जो विकेट गिरा वो कैसे गिरा, सेकंड बैटिंग में गिरा तो कैसे गिरा, टॉप ऑर्डर चला तो किसका चला, मिडिल ऑर्डर चला, डाउन ऑर्डर चला तो किसका चला, विकेट जो गिर रहा था, मतलब एक एक मैंने पैटर्न को खोल करके दिखा दिया था। और ये किस लिए किया था? ताकि आपकी मदद कर सकूं, ना कि आपको और भी ज्यादा ट्रबल में डाल सकूं। क्योंकि क्रिकेट जो होता है वो निश्चितताओं खेल होता है, पर्टिकुलर डे में कुछ भी हो सकता है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने जैसे बताया था कि एक से लेकर सात तक के बल्लेबाज होते हैं वो काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं, और उस एक से लेकर सात तक के बल्लेबाजों में पांच बल्लेबाज ऐसे हो रहे हैं जो फ्लॉप हो रहे हैं। और देखो जो मैंने रिकॉर्ड वहां पे दिखाया था, छोटा सा रिकॉर्ड दोबारा से मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि पहले इनिंग में जब मुंबई इंडियन खेलती है तो 54 पे एक विकेट गिरते पावर प्ले के अंदर, लेकिन देखोगे पंजाब जब यहां पे बैटिंग कर रही है सेकंड इनिंग के अंदर आकर के तो पंजाब के 40 रन पे चार विकेट गिर जाते हैं। और जरा ये भी गौर फरमाओ, थोड़ा सा गौर फरमा लो कि मुंबई इंडियन का जो इतना विशाल इसको खड़ा हुआ आपको दिखाई दिया था, सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा जो बल्लेबाज थे वो चले थे। और फेल कौन कौन हुआ था? पहले नंबर वाला, पांचवें नंबर वाला, छठवें नंबर वाला, सातवें नंबर वाला, ये बल्लेबाज फेल हुए थे। यानी एक से लेकर सात तक में देखोगे तो चार बल्लेबाज फेल हुए थे और तीन बल्लेबाज चले थे, राइट। लेकिन दूसरे अगर इनिंग की बात करोगे, पंजाब की बात करोगे, तो एक से लेकर के आठ तक, एक से लेकर के आठ तक में अगर आप देखोगे तो छह बल्लेबाज फेल हुए थे और मात्र दो बल्लेबाजी चले थे। और दो बल्लेबाज जो चले थे वो कौन कौन से चले थे आप देख सकते हो, छठवां नंबर शशांक सिंह और आठवां नंबर कौन था, आशुतोष शर्मा। सिर्फ ये दो बल्लेबाज, कितने, एक से लेकर आठ तक के बीच में मात्र छह बल्लेबाज, सॉरी सिर्फ दो बल्लेबाज चले थे और छह बल्लेबाज नहीं चले थे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पे मेरी बार पहली बार आएंगे सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, लेकिन जो पिछला मुकाबला हुआ है पंजाब और मुंबई इंडियन का वो एक बार आप अगर नए होंगे ना तो एक बार जा करके देखना। और मैं बोलूंगा कि उस वीडियो को देखोगे और जो भी रिकॉर्ड मैंने बताया है, उस रिकॉर्ड को जो मैंने दिखाया था ना, अंदर बारीकियों से मैंने समझाया ना, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको लगेगा ये जो मैंने रिकॉर्ड दिखाया है वो रिकॉर्ड गलत दिखाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना और चले जाना। मुझे कोई भी इस बात का मतलब गिल्टी फील नहीं होगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक बार रिकॉर्ड जाकर के देखो। अब देखो वो रिकॉर्ड जो था उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक टीम का तो मैं फॉर्मेशन वैसे करूंगा, बिकॉज आज का जो मुकाबला है दो कमजोर टीमों के बीच में, बिल्कुल, तो आज दो कमजोर टीमें हैं, तो हो सकता है मे बी नॉट हो सकता है कि एक टीम जरूर हम ऐसा बना के चलेंगे कि शायद जो मुकाबला में देखने को मिला है वैसा देखने को मिल जाए, और शायद क्या हो जाए कि पलटवार हो जाए, पिच वगैरह थोड़ी सी चेंज हो जाए, बल्लेबाजी बन जाए तो फिर चेंज हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप टेलीग्राम को जुड़ जाए क्योंकि पिच रिपोर्ट वहीं पर देंगे। अब एक बात को समझना जो कि इंपॉर्टेंट बात है कि आज का मुकाबला जो इनके बीच में होने वाला है और जहां भी मुल्लनपुर में होने वाला है, आज के मुकाबले के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेइंग 11 मैं आपको निकाल करके दे दूंगा। और इस बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ आप cricket.com पे चले जाना जहां पे कॉन्टेस्ट जो होता है वो एक घंटे पहले बंद हो जाती है, और वैसे भी ये लोग आपको वेलकम बोनस देते हैं और कंपटीशन क्या है वहां पे बहुत कम है। और रीजन क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि नया प्लेटफॉर्म है, अब नया प्लेटफॉर्म रहता है तो लोगों का भरोसा बहुत कम रहता है। लेकिन ध्यान दो cricket.com के प्रति भले आपका भरोसा नया हो या फिर भरोसा उतना ना हो, लेकिन ध्यान समझना जिस भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हो वो भी तो कभी ना कभी नया ही आया था ना, ऐसा तो नहीं कोई पुराना आता, सब नया ही आते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है कि नया प्लेटफॉर्म है तो चांसेस जो है वो आपके विनिंग के चांसेस हाई है, क्यों, बिकॉज कॉम्पिटिशन क्या बहुत लो है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा cricket.com पे चल जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा और जाकर के एक बार खेलो, एक्सपीरियंस लो कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है। और ये 24 खिलाड़ी के बारे में रिकॉर्ड भी आपको cricket.com के ऊपर मिल जाएगा, और वैसे भी ये वेलकम बोनस आपको 2500 रुपए दे रहे हैं। और आपको पता है कि टेलीग्राम के मेंबर्स को कल मैंने 5 लोगों को क्या किया था, मैंने 100-100 रुपए का गिव अवे दिया था cricket.com के ऊपर, खुद की तरफ से मैंने दिया था कॉन्टेस्ट करने के लिए। आज भी उम्मीद करता हूं कि आज भी दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा ब्रीफ ये वाला बता देता हूं कि यहां पे क्या देखने को मिला था, और फिर अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको कि पैटर्न क्या रहा था, राइट, पैटर्न समझाता हूं। अब देखना यहां पे क्या हुआ था, पावर प्ले के अंदर एक मैच के अंदर 38 पे एक विकेट, 43 पे 0 विकेट, ठीक है। यहां पर देखो 54 पे एक, 60 पे दो, यहां पर देखो 40 पे 3, 27 पे 3। तो ये देखो नोटिस कर रहा हूं,
तीन तीन विकेट, राइट, तीन तीन विकेट गिरा। यहाँ देखो अगर मुंबई इंडियन खेली थी तो मुंबई इंडियन के उतने विकेट नहीं गिरे, क्योंकि मुंबई इस तरह की बल्लेबाजी है यार, तो हो सकता है मजबूत टीम रहेगी तो हो सकता है कि ना गिरे। लेकिन वही जब पंजाब अगर बैटिंग करने गई, किसके खिलाफ, मुंबई इंडियन के खिलाफ बैटिंग करने आती है, तो उसका गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो कमजोर टीम रहेगी तो वो जो पैटर्न मैं समझाने वाला हूं वैसा देखने को मिल जाता है, लेकिन मजबूत टीम रहती है तो कभी कभी थोड़ा सा पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आपने यहां पे देखा है कि दूसरा तीसरा चौथा चलते हैं। और मैंने क्या बताया था, एक से लेकर सात तक के बीच में पांच बल्लेबाज ऐसे हो रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, राइट, और दो ही प्लेयर ऐसे रह रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और आठवां नंबर वाला जो हो रहा है अगर वो बल्लेबाज रहता है, यानी बल्लेबाज बल्लेबाज रहता है तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी मैं ये बताया था कि एक से लेकर सात तक में पांच लोगों के ऊपर खतरा रहता है, तो अगर पांच नहीं तो कम से कम चार लोगों के ऊपर आपको खतरा दिखाई देता है, ये देता है, और ये मैंने चार मुकाबलों में आप लोगों को दिखा दिया, ये आज का नहीं, चार मुकाबले जो इतने हुए हैं, तीन चार मुकाबले, सारे मुकाबले में आप जाकर देखोगे तो यही है कि यही चीज आपको देखने को मिलेगा। और चल कौन रहा है, डाउन डी ऑर्डर वाला, या फिर छठवां आठवां चल रहा है, पांचवां सातवां चल रहा है, ऐसे वाले करके बल्लेबाज चल रहे हैं। अब इसी मुकाबले को देख लोगे तो आशुतोष और ससांग, ससांग छठवें नंबर पे था, आशुतोष आठवें नंबर पे था, ऐसे ही बल्लेबाज चल रहे हैं, नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले चल रहे हैं, ठीक है। और एक जो मैंने बताया एक से सात के बीच में, एक कौन सा रख लोगे आप, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर क्यों, क्योंकि वो तो बैटिंग भी करेगा और साथ ही साथ वो विकेट भी लेगा, और खासतौर से अगर वो पेसर रहेगा तो उसके ख्वाबों की टीम में शामिल होने के चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि पेसर को देखो यहाँ विकेट कितने गिरा है, 47 विकेट गिरा है, और इनिंग वाइज अगर चेक करेंगे तो पहले इनिंग में 24 और दूसरे इनिंग में 23 विकेट स्पिनर, सॉरी पेसर ने गिरा है, लेकिन पेसर की तुलना अगर हम स्पिनर के साथ करेंगे तो 47 विकेट की तुलना में मात्र 9 विकेट लेकर के गए कौन, स्पिनर, यानी स्पिनर की यहाँ पे जो प्राथमिकता है वो काफी ज्यादा कम है। तो हम जो क्रम लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं समझना, बैट्समैन और साथ ही साथ यहाँ पे लगा दो पेसर, यानी यहाँ पे जितना बैट्समैन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पेसर है, और लास्ट में तब जाएगा कौन, स्पिनर। और ध्यान देना, आज के मुकाबले में ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ आपको खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जिनका परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन 12% से लेकर के 15% है, और वो क्या है, बॉलर है और कुछ क्या है, बैट्समैन भी है। हो सकता है कि 12 से 15% वाला लड़का आज के मैच का सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो जाए, तो वो लोग जो गिल को, साई को, और इधर आ जाओ तो कौन हो जाएगा, लिविंगस्टोन को, ये मतलब जो लोग बड़े प्लेयरों को, नाम मतलब नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो, मतलब नाम बता दिया मैंने कुछ, जो बड़े प्लेयर है जिन पे ज्यादा लोग भरोसा जता रहे हैं, और इन्हीं में से आज कैप्टन वाइस कैप्टन भी लोगों ने बनाया है, हो सकता है कि ये बड़े प्लेयर आज आपको फेल होते हुए दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर है जो 12% और 15% वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा, हो सकता है कि आज के मैच के वो बेस्ट प्लेयर हो जाए, वो आज के मैच के क्या हो जाए, स्टार हो जाए, और स्टार हो जाएंगे, इसीलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आज आप रिस्क लेना, क्योंकि आज के ट्रम्प कार्ड कैप्टन वाइस कैप्टन ही होंगे। अब ध्यान देना, जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन जिसका कम होता है उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इस बात को आपको सबूत मतलब मानना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन लेस है, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि यस प्लेयर जो है शायद उतना मौका नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कम है, लेकिन बावजूद इसके उसके परसेंटेज पे मत जाना, बिल्कुल परसेंटेज पे मत जाना, बल्कि उसके हुनर, उसकी काबिलियत पे जाना। और आज के मैच के लिए मुझे लगता है कि कम परसेंटेज वाला कोई ना कोई ऐसा जरूर प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा आपको पॉइंट देगा, तो रैंकिंग में ये लोग क्या होते हैं, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं, रिस्क है बट रैंकिंग को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलो शाह की बात करते हैं, शाह की बात करेंगे तो 68% सिलेक्शन, काफी ज्यादा स्ट्रगल करते आ रहे हैं। गिल की बात करो तो 95%, बहुत परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन हाई है, लेकिन मैंने बताया एक से लेकर के सात तक में जो स्ट्रगलिंग है उस स्ट्रगलिंग को ध्यान में रखते हुए आपको एक टीम में बता रहा हूं, एक टीम ऐसी बनाना जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर में से सात में से चार को कम से कम उड़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है मे बी उसमें गिल और साई में से एक को आपको उड़ाना पड़ सकता है, बिल्कुल एक को उड़ाना पड़ सकता है। मिलर की बात करो तो मिलर पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मैं मिलर के पहली इनिंग सेकंड इनिंग के रिकॉर्ड के आधार पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज मैंने चेक किया है मिलर पहली इनिंग में जो हो वो फिनिशिंग भूमिका बहुत अच्छा निभाते हैं, और सेकंड इनिंग की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं चेजिंग में भी मिलर क्या करते हैं, काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाते हैं। और आज का देखो मात्र 30% मिलर का सिलेक्शन है, तो टॉप चार, ये जो चार है ना, चार में से एक खिलाड़ी जिसपे हम दाव लगा सकते हैं वो कौन है, मिलर है, बिल्कुल। मनोहर को यहाँ से आप कैंसिल आउट करके चल सकते हो, टिवाटिया वो प्लेयर हो सकता है कौन, दूसरा वाला, वो दूसरा प्लेयर हो सकता है जो लेस परसेंटेज हो, परसेंटेज क्या है काफी कम है, और आज का हो सकता है कि आपका कहते हैं ना कि जब ये विकेट ऊपर से गिरता है तो नीचे का बल्लेबाज कोई ना कोई चलता है, तो अगर मैं पैटर्न को ये समझा रहा हूँ कि एक से सात के बीच में विकेट्स काफी ज्यादा गिर रहे हैं, तो ऐसे में एक दो तीन चार पांच छह, तिवाटिया चौथे नंबर पे आ रहे हैं, छठवें नंबर पे आ रहे हैं, और ऐसे में तिवाटिया शायद आज के लिए हो सकते हैं, इस मतलब पैटर्न को ध्यान रखते हुए कि शायद आज के मैच के लिए आपको देखोगे
कि 25 प्लस या फिर 30 प्लस आज आपको मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तिवाटिया, और यही चीज मैं बोलूंगा शाहरुख खान के लिए, ये दोनों के लिए मैंने बात बोल दिया कि दोनों में से एक को देखना आप कि आज कम से कम 25 या 30 प्लस, खासतौर से मैं बोलूं तो 30 प्लस वो मार करके आज के मैच में चलेगा। दोनों में से कौन हो जाएगा आप चेक कर सकते हो और लक के हिसाब से दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। राशिद का देखोगे तो आज के मैच के लिए परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्या है, 90% है, यानी काफी ज्यादा हाई है। अब इसके पीछे रीजन बताता हूं कि देखो, एक तो राशिद अभी थोड़ा सा बेहतर करने लगे हैं और अब बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन देने लगे हैं, तो ऐसे में राशिद को लोग क्या करने लगे हैं, पिक करने लगे हैं। तो अगर हम मान के चले कि यहाँ पे गेंदबाजों के लिए, मतलब स्पिनर के लिए खास मदद नहीं है, लेकिन अगर पिच की रिपोर्ट ऐसी आती है कि स्पिनर को यहाँ पे थोड़ा सा मदद होगा, तो ऐसे में अगर राशिद से उम्मीद कर लेते हैं कि एक विकेट लेके चल जाते हैं, राइट, और ये जो पैटर्न है पैटर्न फॉलो होता है और ये टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं कोलैप्स होता लड़खड़ाता है, तो ऐसे में राशिद खान डाउन डी ऑर्डर आकर के भी वो करीब करीब 10 रन तो बना जाएंगे, 10 से 15 रन बना जाएंगे, और ऐसे में 10 से 15 बनाते हैं और एक विकेट लेके जाते हैं तो ख्वाबों की टीम में शामिल हो सकते हैं। तो राशिद को रिस्क है, बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिस्क मतलब कैसा, कि मतलब बड़े प्लेयर को, राशिद खान जैसे प्लेयर को बाहर करना बड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर इनका दिन निकल गया तो ये आपको विकेट भी उस दिन लेते हुए दिखाई देंगे और फिर ये आपको ज्यादा रन 25-30 रन 35 रन नीचे मारते हुए दिखाई भी देंगे, तो दोनों हो सकता है। इसलिए राशिद खान पे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चलना। अब बात आती है मोहित की, नूर की, जॉनसन की, वॉरियर की, ठीक है, इधर आ जाओ। जब इधर अगर अब आओगे तो हर्षल पटेल, रबाडा और अर्शदीप की तुलना में मोहित, नूर, जॉनसन और वॉरियर का परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्या है, कम है। और एक बात का अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले मैच में मैंने वॉरियर को टीम में रखवाया था, लास्ट मोमेंट में मैंने बोला था कि मोमेंट में क्या बोला था, मैंने जो टीम दिया था मैंने उसमें वॉरियर को रखवाया था। तो मैं बोलना चाहूंगा कि वॉरियर को मैंने देखा, इसका आउट स्विंगर जो होता है वो बहुत अच्छा आउट स्विंगर मार रहा है, और ऐसे में करण के लिए वो गेंद इन स्विंगर हो जाएगी, सिमरन के लिए बाहर वाली हो जाएगी, रोसो के लिए अंदर वाली हो जाएगी, लिविंगस्टोन के लिए बाहर वाली हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि आज भी आप वॉरियर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वॉरियर क्या है, पावर प्ले के अंदर विकेट, पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी कर रहा है, और यहां देखो तो पावर प्ले के अंदर विकेट क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आज का वो मैंने जो बताया था ना कि वो कम परसेंटेज वाला प्लेयर जिसको आप रिस्क ले सकते हो, तो वो कौन है, उसमें से एक है। यही नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसमें से एक है, कौन, वॉरियर। सेम चीज नंबर आता है किसके साथ, जॉनसन के साथ। जॉनसन क्या है कि बढ़िया कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली, मतलब एक होता है ना एक बराबर, एक कंसिस्टेंटली को हिंदी में क्या कहते हैं, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार लगातार लगातार, वैसा वाला नहीं कर रहे हैं, बट यस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जॉनसन। तो आज के लिए यह आपके झटका, झटका प्लेयर कौन साबित हो सकते हैं, जॉनसन साबित हो सकते हैं। यही चीज मोहित के साथ है। मोहित का देखो तो काफी मैच अभी शुरू में अच्छा कर रहे थे, बट अभी थोड़ा सा गड़बड़ होते दिख रहा है, तो मोहित का बोलूंगा पहले इनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, मोहित को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बाकी बता दिए, चलो इधर आ जाओ। करण क्या है, करण आके इंपॉर्टेंट पे के लेके जाना, ठीक है। रोसो, रोसो को पिछले मैच में मैंने भगा दिया था, मैंने हटा दिया, मुझे पता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग है ना, यस, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एकदम फ्लॉप खिलाड़ी था, एकदम फ्लॉप था, मतलब इतने मौके इसको टीम ने दिया था लेकिन हर मैच में फ्लॉप। तो ये आपको 4 से 5 मैच में एक करता हुआ दिखाई देगा, मतलब टोटल अगर 5 मैच होगा तो हो सकता है कि उसमें से एक करते दिखाई दे दे, या फिर 4 मैच में से एक मैच करता हुआ दिखाई दे दे। पर ये भी है कि जो एक मैच करता दिखाई देगा, हो सकता है कि वो दूसरे ही वाले मैच में हो जाए, तीसरे वाले में हो जाए, या चौथे वाले में हो जाए, तो बड़ा रिस्की भैया। तो सिमरन और रोसो में से किसी एक को ही ट्राई करना, हालांकि मैं बोलूंगा कि अगर दोनों को बाहर कर दोगे तो कोई भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि आज का पिच भी जो है वो ऐसा थोड़ा सा मदद है गेंदबाजों को। लिविंगस्टोन आज के लिए अच्छे प्लेयर हैं, लेके जाना, क्योंकि अभी इनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर हो रही है, अभी सभी हमारे गब्बर वापस आए भी नहीं है, तो देखते हैं गब्बर के बारे में क्या रिपोर्ट है। अगर आपके पास रिपोर्ट होगी तो प्लीज यहाँ पे कॉमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। हरप्रीत को यहाँ से कैंसिल करके चलना। शशांक, जितेश और आशुतोष, ये 3 प्लेयर है जो डाउन डी ऑर्डर वाकई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और खास तौर से आशुतोष और शशांक। और आशुतोष को आपने देखा था यार, जसप्रीत बुमराह को उसने स्वीप शॉट मार के छक्का मारा है, मतलब किसकी हिम्मत है, किसकी जरूरत है जो बुमराह को स्वीप करके छक्का मारे, और वो है हमारे आशुतोष शर्मा जी। तो शर्मा जी की जय हो, मतलब क्या ही बोले। तो इन 3 प्लेयरों में से आप 2 को लेकर चलना, क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने बताया, पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 प्लेयर जरूर होंगे जो नीचे से आकर खेलेंगे, और शशांक, जितेश और आशुतोष में से 2 क्या हो सकते हैं, वो कारनामा कर सकते हैं। बरार को मैं स्पिनर जो भी है वो स्टैंड बाई पे रखता हूँ, एसबी मतलब स्टैंड बाई। और यहां से देखोगे तो राशिद के बारे में भी मैं स्टैंड बाई पे डाल देता हूं अभी, क्योंकि राशिद के बारे में एक बार और बात करेंगे। और यहां नूर छूट गया ना, स्टैंड बाई, सॉरी राशिद स्टैंड बाई नहीं, नूर जो होगा वो स्टैंड बाई पे रखेंगे, कि हम देखेंगे एक इधर से नूर है और इधर से कौन है, बरार है, दोनों 13-13% वाले हैं, दोनों स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, बट क्या है कि स्पिनर को उतना कुछ खास या नहीं है, तो एक ही स्पिनर रखना है, तो ऑलरेडी हमने राशिद खान को सेलेक्ट कर ही दिया है, तो देखते हैं कि अगर पिच का मिजाज कुछ चेंज जाता है, बदल दिया जाता है, तो ऐसे में नूर अहमद को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, हर्षल पटेल, रबाडा, हर्षदीप। अब देखो पावर प्ले के अंदर तो विकेट गिर रहे हैं, यहां भी गिरे हैं, पावर प्ले के अंदर विकेट गिर रहे हैं, और खास तौर से अगर हम चेक करें तो सेकंड इनिंग के अंदर है ना, सेकंड इनिंग के अंदर ज्यादा विकेट गिर रहे हैं। तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि हर्षल पटेल, रबाडा, हर्षदीप का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, बिल्कुल, मतलब अच्छा क्या, मतलब सेम है, मतलब पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो,
दोनों में ठीक ठाक है, इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे में हर्षल रबाडा और अर्शदीप में से आप किसी दो को टीम में क्या कर सकते हो, रख सकते हो, रखना पड़ेगा दो ही, क्योंकि आपको देखो इधर परसेंटेज क्या है गेंदबाजों का कम है और इधर परसेंटेज क्या है हाई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाई परसेंटेज वाले को प्लेयरों को टीम में आप ज्यादा जगह दोगे तो आपकी रैंकिंग बहुत ऊंचाई पर नहीं जाएगी। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए लेस परसेंटेज वाले प्लेयर को रखना होगा और अपने रब से मनाना होगा कि आज जिस कम परसेंटेज वाले यानी लेस परसेंटेज वाले जिस प्लेयर को मैंने टीम में रखा हुआ है आज क्या करे चल जाए। बट उस कम परसेंटेज वाले प्लेयर को कौन से कम प्लेयर वाले को सेलेक्ट करोगे उसके लिए आपको अपनी अंतरात्मा को सुनना होगा यानी अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा। तो अपनी इंट्यूशन को बैक करो, आपकी इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, किस खिलाड़ी के बारे में क्या बोलती है उसको सुना करो, क्योंकि इस बात का इस खेल का नियम एक समझ लो कि हाई परसेंटेज वाले खिलाड़ी आपको नहीं जीत जा सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि 11 के 11 खिलाड़ी जिनका परसेंट ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई हो उनको रख करके कभी भी आप नहीं जीतोगे। और लेट सपोज कि अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, मान लो कभी ऐसा सदियों में एक साल में या 400-500 मैचेस में कभी ऐसा हो जाता है कि वो 11 के 11 वो खिलाड़ी चल जाते हैं जिनका परसेंट ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई होता है और आपने भी उन्हीं को टीम में सेलेक्ट किया है, तो आपकी जो रैंकिंग होगी रैंकिंग में उन्हीं के साथ शेयर होगी। और वो खिलाड़ी जिनको अपनी टीम में रखा होगा आपने, अगर वो चलेगा भी ना तो अगर आप स्क्रॉल करोगे रिफ्रेश करोगे तो आपकी रैंकिंग क्या होगी ना कि आपकी रैंकिंग और भी ऊंचाइयों पे जाएगी। ऊंचाइयों पर समझ रहे हैं, 1000 में रहेंगे तो वो 10,000 में होंगे तो आप 1,00,000 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी को आपने टीम में रखा है सिर्फ आपने नहीं रखा है बाकी लोगों ने भी उन्हीं को टीम में रखा हुआ है। तो ये जो गेम है वो कैसा वाला है, रिस्क वाला है। और रिस्क लेते हुए कैसा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आपको कुछ लो परसेंटेज वाले प्लेयर को और कुछ मीडियम परसेंटेज वाले प्लेयर को अपने टीम में जगह देनी पड़ेगी। और हाई परसेंटेज की बात करोगे तो 6-7 प्लेयर ही होंगे जिनको आपको अपनी टीम में रखना होगा और 4-5 प्लेयर वो होंगे जो आपको मिड परसेंटेज वाले, ट्रम्प कार्ड वाले और झटका वाले अपने टीम में जगह देना होगा। और फिर इसमें आ जाता है कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कि कैसे हम पकड़े कौन होगा आज का बेस्ट कैप्टन, आज का बेस्ट वाइस कैप्टन। तो आज का जो सबसे सेफ कैप्टन की बात करें, देखो हमारा क्या है काम आपको समझाना कि सेफ कौन है, ट्रम्प कौन है, रिस्की कौन है। तो मैं सेफ की बात बताऊंगा तो यहां से आपका सिमरन मिल जाएगा, राइट, सैम करन आपका क्या कौन सा कैप्टन है, आपका सेफ कैप्टन, क्योंकि बैटिंग भी दे देगा वो बॉलिंग भी दे देगा। अब मुझे जो सैम करन है इसके लेवल का मुझे कोई दिख नहीं रहा है, अगर इधर मैं चेक करूं तो ऑलराउंडर में कौन ही है यार, मतलब तिवाटिया है, एसआरके है, ये लोग तो वो है नहीं ऑलराउंडर उस लेवल के। तो इधर कौन है, करन मिल रहा है और यहाँ से लिविंगस्टोन मिल रहा है, बस यही दो हैं, ये दो हैं जो बैटिंग और साथ ही साथ बॉलिंग दे देंगे। तो जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दे देता है वो क्या हो जाता है, सेफ कैप्टन है, वाइस कैप्टन हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ अगर पिच कैसी है आज की, पिच अगर बोल रही है कि आज की पिच जो है वो बैटिंग के लिए काफी ज्यादा मददगार है, तो वो बल्लेबाज जो क्या है फॉर्म में है और टॉप पे खेलता है यानी ऊपर खेलता है वो भी क्या हो जाता है कैप्टन वाइस कैप्टन कंटेंडर अच्छा होता है। लेकिन यहाँ का जो पिच का रिपोर्ट है वो तो हमने देखा है कि पावर प्ले के अंदर ही विकेट गिर रहे हैं और ऐसे में टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं जिनका परसेंटेज काफी सिलेक्शन हाई है तो रिस्क तो कहीं ना कहीं हो जाएगा ना। तो एक टीम आप बना लेना जिसमें ये मान के चलना क्या पता यार जीरो विकेट गिरे ना ही गिरे, क्या पता यार यहाँ पे एक ही विकेट गिरा था तो एक ही गिरेगा, तो एक मान के चल लेना जिसमें आप क्या कर लेना कि आप गिल और साई को दोनों रख लेना। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो रोसो और करन को रख लेना या फिर सिमरन के साथ रोसो को रख लेना, ऐसे करके रख लेना जरूर से, मतलब एक ही विकेट गिराना और मान लेना कि आज क्या होगा टॉप ऑर्डर चलेगा, मतलब किसी एक प्लेयर को उड़ा करके दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, समझ रहे हो, साहा के साथ साई या गिल के साथ साई, ऐसे करके रख लेना या फिर साहा को उड़ाते हुए गिल और साई को क्या कर लेना टीम में रख लेना और मानना कि आज ये लंबी पारी खेलेंगे। तो इस तरीके से टीम का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब बात करें ट्रम्प की, ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होता है, तो ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नामों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि यार ये तो उतना खास प्लेयर नहीं है तो उसको क्या कर लेते हैं बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में वो प्लेयर जिनको लोग बाहर कर देते हैं पर आज जो परिस्थिति है वो ये कहती है कि आज इनका आज ये चमत्कार कर सकते हैं, आज ये कारनामा कर सकते हैं, धमाल कमाल कर सकते हैं, तो ऐसे में ऐसे प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड बना सकते हो आप, क्योंकि हमने सीखा है कि गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे मदद है। और जो पैटर्न मैंने बताया 1-7 तक वाला तो 5 विकेट तकरीबन गिर रहे हैं, ऐसे में कोई ना कोई पेसर जरूर होगा जो विकेट जो होगा वो इसमें गुत्थियों में 2-3 विकेट लेकर चल जाएगा। तो अगर वॉरियर लेकर चला गया, जॉनसन लेकर के चला गया या फिर इधर से आ जाओ तो बरार और नूर को तो मैंने स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, लेकिन यस जॉनसन और वॉरियर अगर इन दोनों में से कोई भी एक होगा जो 3 विकेट लेके चल जाएगा तो आज के मैच का ट्रम्प वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन कौन हो सकता है, इन दोनों गेंदबाजों में हो सकता है। और देखो परसेंट ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा लेस है इसलिए रैंकिंग में आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक टीम बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं एक टीम आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ क्रिकेट.com के ऊपर, ठीक है। तो मैं अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात करूँ तो मैं लेकर के चलूंगा
रिद्धिमान शाह को मैं लेकर के चलता हूँ फिलहाल के लिए, मैं देखता हूँ जगह बस्ती की नहीं बस्ती जितेश शर्मा की। हालांकि चांसेस जितेश शर्मा के ज़्यादा है क्योंकि डाउन दी ऑर्डर खेल रहे हैं और रिद्धिमान शाह के कम है, तो ऐसे में चलो ठीक है मैं स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं स्विच करते हुए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं रिद्धिमान शाह को हटाते हुए मैं जी रिद्धिमान शाह को हटाते हुए मैं रख लेता हूँ किसको, जितेश शर्मा को। राइट, अब आप बैटिंग सेक्शन में अगर हम आएंगे तो बैटिंग सेक्शन में हम रखेंगे, ठीक है साथ हो गए। अब आप बॉलिंग सेक्शन में अगर हम आ जाएंगे तो बॉलिंग सेक्शन से मैं उठाता हूँ रबाडा को। ठीक, रबाडा नाम के साथ मैं भी जाता हूँ, बिल्कुल कभी कभी जाना ही चाहिए आपको। और वॉरियर के साथ देखो, वॉरियर को मैंने बताया था, वॉरियर को मैं उठाऊँगा यहाँ से। ठीक है, और वॉरियर और जॉनसन ये दोनों को मैंने उठा लिया है। तो ये रहा 11 खिलाड़ी जिन 11 खिलाड़ियों के साथ मैं जा रहा हूँ, जे शर्मा, शुभमन गिल, शशांक सिंह, मिलर, सुदर्शन, तेवाटिया, लिविंगस्टन, रबाडा, वॉरियर, जॉनसन, पटेल। चार मैं तो प्रॉपर गेंदबाजों के साथ जा रहा हूँ, दो ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ये 11 खिलाड़ियों के साथ मैं जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन का वही है जो मैंने वीडियो में समझाया, उसी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, लाइक कर लेना, और cricket.com को डाउनलोड करके वहाँ पे जाके खेलना, और टेलीग्राम से जुड़ जाना क्योंकि जो टीम होगी फाइनल वो हम टेलीग्राम पे टीम देंगे। चलो अपना ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।